इस समय उफान पर है, बांधों से चूंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, बरगी बारना तवा ओंकारेश्वर इंदिरा सागर, इसके कारण भी जल स्तर तेजी से बढ़ा है। होशंगाबाद में तो नर्मदा जी 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं, खतरे का निशान 964 पर है। और अभी 48 घंटे भारी वर्षा की आशंका है, संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, इस घड़ी में आप बिल्कुल चिंतित ना हो, विचलित ना हो, जहां जहां जरूरी है वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय है, जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं, सेना को हमने सतर्क किया है, एयरफोर्स वो हमारी थल सेना हो। आज भी छिंदवाड़ा के चौराही में बेलखेड़ा में फंसे मधु कुमार को, मधु कहार को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है, बोट बाकी उपकरण सामग्रियां सबकी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह निचली बस्तियों में पानी भर रहा है, होशंगाबाद बरेली साहेगंज अभी तक 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है। ऐसे बहनों और भाई चिंतित ना हो, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे इलाकों में रहने वाले बहनों और भाइयों से, ऐसे गांव हो शहरों, मेरी अपील है कि बिना किसी जिद के तत्काल हमको निचले स्थान छोड़ देना चाहिए। और प्रशासन जहां सुरक्षित स्थान पर हमें ले जा रहा है वहां तत्काल हमको जाना चाहिए, वहां भोजन पीने का पानी दवाई सबका इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के संकट को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रशासन सचेत कर रहा है, गांवों में शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें लगातार सक्रिय है, जिलों के और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम 2400 घंटे काम कर रहे हैं। वर्षा और बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। दो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, एक है 100 नंबर, 100 डायल 100 भी जिसको हम कहते हैं 100, और दूसरा है 1079। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में सूचना देने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर, गोताखोर, बोट, सभी पुख्ता इंतजाम है। जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला ली जाएगी, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, एक तो सड़क पुल पुलिया पर बाढ़ का पानी होने पर आप उसे पार करने से बचें, इसमें बहादुरी ना दिखाएं, कई बार इसके कारण संकट में फंसते हैं।
अति वर्षा की स्थिति में पिकनिक पर नहीं जाएं, डैम झरने आदि पर जाने का मोह छोड़ें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है, कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सूचनाओं को गंभीरता से लें और चिंता ना करें। हम साथ खड़े, सरकार साथ खड़ी है, इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद। एक तो सतर्कता, सारे इंतजाम। अब जिन जिन जिलों में पानी बढ़ रहा है, विशेषकर मां नर्मदा जी में, सहायक नदियों में, अब प्रशासन सतर्क है। पानी घुसने की स्थिति में राहत शिविरों में ले जाने के इंतजाम किए जाएं, मोटर बोट, सुरक्षा उपकरण, गोताखोर, SDRF, NDRF की टीम तैयार रखें, भोजन, पानी, चाय, दवा, इसका बेहतर इंतजाम करें और जनता को कोई तकलीफ ना आने दें।